राज्यपाल कलराज मिश्र ने दीप पर्व के शुभारंभ पर राजभवन में बांटी मिठाई। कहा, दीपावली रोशनी के साथ स्वच्छता को आत्मसात करने का है पर्व। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को दी मंजूरी। नीति का उद्देश्य उभरते मीडिया परिदृश्य और मीडिया उपभोग के बढ़ते डिजिटलीकरण को देखते हुए जागरूकता को है बढ़ाना। आज धनतेरस के साथ दीपोत्सव की हुई शुरुआत। बाजारों में बढ़ी रौनक, लोग कर रहे हैं जमकर खरीदारी। हनुमानगढ़ में पटाखे बेचने को लेकर लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया हुई शुरू। एसडीएम कार्यालय की ओर से जारी होने वाले ये लाइसेंस 12 नवंबर तक रहेंगे मान्य। बीकानेर में जिला कलेक्टर ने केवल ग्रीन पटाखों को बेचने और चलाने की दी अनुमति। 15 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे ये आदेश। चाकसू विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी कर रहे हैं चुनाव प्रचार। विधानसभा के लालपुरा गांव में भाजपा प्रत्याशी रामोतार बेरवा का ग्रामीणों ने किया स्वागत। श्रीगंगानगर में हुआ बैलेट यूनिट का प्रथम पूरक रेंडमाइजेशन। जिला कलेक्टर की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया रेंडमाइजेशन। दीपावली पर जनरल मैनेजर की ओर से नेशनल हाईवे पर चलाया गया विशेष स्वच्छता अभियान। जयपुर महुआ टोल प्लाजा पर की गई साफ सफाई। प्रतापगढ़ में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लिए गए सैंपल। अब तक दिवाली में इस अभियान के तहत लिए गए 43 नमूने। प्रदेश भर में 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाएगा राष्ट्रीय नवजात सप्ताह। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई राज्य स्तरीय आमुखीकरण बैठक। चित्तौड़गढ़ में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत साइकिल रैली का किया गया आयोजन। लोक कलाकारों ने दिया मतदान का संदेश। रेगिस्तानी क्षेत्र में तीनों सेनाओं का अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार 13 नवंबर से किया जाएगा आयोजित। अभियान का उद्देश्य संयुक्त संचालन को मजबूत करना है। प्रदेश में 12 नवंबर से मनाया जाएगा सांस अभियान। निमोनिया से बचाव और उपचार के लिए चलाया जाएगा ये अभियान। जयपुर में नगर निगम हेरिटेज की ओर से आवारा पशुओं पर कार्रवाई का अभियान जारी। पशु प्रबंधन शाखा द्वारा हेरिटेज निगम क्षेत्र में चलाया जा रहा है ये अभियान। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर हुई बारिश। आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, भरतपुर और धौलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश की संभावना।